हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हैक्नोटेक। आज हम आपको बताएंगे कि 2K17 में कौन कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे हुए रेड बटन पे ज़रूर क्लिक करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हम आपको ऐसी ही नई नई टेक्निकल न्यूज़ और ट्रिक्स देते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि आजकल वर्ल्ड में बहुत कंपटीशन है, एंड स्पेशली सीएसआईटी सेक्टर में की तो बात ही मत कीजिए। सीएसआईटी सेक्टर में आज बहुत सी जॉब्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत है पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी लिस्ट की टॉप फर्स्ट लैंग्वेज से। जावा। जावा लैंग्वेज बहुत पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के तकरीबन 9 मिलियन डेवलपर्स यूज करते हैं, और ये तकरीबन 7 बिलियन डिवाइसेस में भी यूज होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। जावा लैंग्वेज को हर डिवाइस में चलने के लिए डिजाइन किया गया था, इसलिए इसे कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स और यहाँ तक कि स्मार्ट टीवी के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी यूज किया जाता है। टायो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स ने जावा को नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा है, क्योंकि इसने 50 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की लिस्ट में से पूरी 20.79% स्पेस ग्लोबली ऑक्यूपाई कर रखी है। PYPL के मुताबिक जावा वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। पाइथन। ये एक हाई लेवल जनरल पर्पस और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो कि वाइडली यूज करी जाती है। इस लैंग्वेज को यूनिवर्सिटीज में एज ए स्टार्टर लैंग्वेज स्टडी किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। PYPL के मुताबिक लास्ट 5 ईयर्स में दूसरी लैंग्वेजेस के मुकाबले पाइथन ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है। PHP मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है वेब एप्लीकेशंस राइट करने के लिए। इसके पास बहुत सारे एडवांटेज है इन कंपैरिजन टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बिकॉज़ इट्स ओपन सोर्स एंड स्टेबल। टायो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स ने PHP को 6th प्लेस मिली है। डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाने के लिए मोस्ट रिक्रूटर्स PHP डेवलपर्स की तलाश में रहते हैं। Go एक फ्री और ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, विच वॉज क्रिएटेड बाय गूगल इन 2007। 2016 में इसकी पॉपुलैरिटी बहुत तेजी से बढ़ी, क्योंकि इसमें सिंप्लिसिटी, हाई परफॉर्मेंस, इफिशियंसी और बिल्ट इन सपोर्ट है। JavaScript। JavaScript एक हाई लेवल और डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे दुनिया भर में वेब पेज को एट्रैक्टिव बनाने के लिए, पॉपअप मैसेज डिस्प्ले करने के लिए और गेम्स को डेवलप करने में भी यूज किया जाता है। टायोप कम्युनिटी इंडेक्स में इसे 7th प्लेस मिली है। VisualBasic.net। ये एक सिंपल, मॉडर्न और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। इसे .NET बेस्ड एप्लीकेशंस जैसे XML वेब सर्विसेज, डेस्कटॉप एप्स
और मोबाइल एप्स को क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। विजुअल बेसिक डॉट नेट में कई सारे न्यू और इम्प्रूव फीचर ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से इसे टायो प्रोग्रामिंग कम्युनिटी इंडेक्स में 9th रैंक मिली है। रूबी एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे ज्यादातर वेब प्रोग्रामिंग के लिए यूज किया जाता है। रूबी डेवलपर्स में काफी पॉपुलर लैंग्वेज है, क्योंकि इसमें कुछ ही लाइंस के कोड की जरूरत होती है। रूबी ऑन रेल्स आजकल बहुत पॉपुलर चल रहा है। टायोप कम्युनिटी इंडेक्स में इसे 10th रैंक मिली है। स्विफ्ट एक ऑब्जेक्ट सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे एप्पल ने डेवलप किया है। स्विफ्ट को iOS, macOS, watchOS यानी कि स्मार्ट वॉचेस की सॉफ्टवेयर और tvOS के एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत सी ग्लोबल कंपनीज स्विफ्ट को अडॉप्ट कर ली हैं और हम इसे शायद फ्यूचर में दुनिया भर में देख सकते हैं। सी शार्प, कुछ लोग इसे सी हैश भी कहते हैं। सी शार्प नई तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट की कई सारी एंटरप्राइज एप्लीकेशंस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है, जो कि डॉट नेट फ्रेमवर्क पर काम करती है। हम इसे सी और सी प्लस प्लस के एवोल्यूशन की तरह देख सकते हैं, जो कि सिंपल, मॉडर्न, फंक्शनल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्केला, स्केला एक टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग दोनों को मिला के एक बहुत ही कंसाइज, लॉजिकल और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल लैंग्वेज बनाती है। जावा के कंपैरिजन में स्केला बहुत ही यूज करने में इजी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे वेबसाइट और ब्लॉग को भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे अपडेटेड विद हैक्नोटेक।